यहाँ पे देखते हैं, एक लैंप 50 वाट 100 वोल्ट को विद्युत मेन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। जो संधारित्र लगा है इसकी धारिता एक्सेसी मुझे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डियर चिल्ड्रेन, सबसे पहले मुझे शक्ति दी हुई है कितनी, 50 वाट की शक्ति दी हुई है और हमें विभव कितना दिया है, 100 वोल्ट का विभव दिया है। तो हम यहाँ से आई निकालेंगे, तो सूत्र पी बराबर वी आई लगाएंगे, आई बराबर पी बटे वी लगाएंगे, पी का मान 50 वाट, वी का मान 100, 50 × 100 तो हमारा आएगा, ऐसे काट दें या फिर ऐसे काट देते हैं, 50/100, 1 0 से 1 0 का, 0 का दशमलव लगा, तो 0.5 एम्पियर यहाँ पे धारा आ गई। धारा यहाँ पे जो बहेगी वो 0.5 एम्पियर की धारा यहाँ बहेगी। अब मुझे निकालना है यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है ये प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला लगेगा आर बराबर यहाँ पर वी स्क्वायर बटे पी वाले फार्मूले से। तो वी का मान कितना है हमारे पास, 100 100 दो बार, और पी पी का मान हमारे पास कितना है, 50। पी का मान हमारा कितना है, 50, तो 50 × 100 तो 100 × 2 कितना आएगा, 200 ओम प्रतिरोध आएगा। तो यहाँ हमें प्रतिरोध भी पता चल गया है और धारा भी पता चल गई है, एक्सेसी मुझे निकालना है। तो पहले मुझे निकालना है प्रतिबाधा, हम निकालेंगे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जड़ निकालेंगे, तो जड़ बराबर क्या होता है, बी यहाँ पे जड़ बराबर प्रतिबाधा आर बराबर बी बटे आई होता है। तो यहाँ पर विभव हमारा कितना है, विभव हमारा यहाँ पे है, यहाँ से प्रतिबाधा निकालेंगे तो विभव हमारा यहाँ पे है 200 और धारा हमारी कितनी है, 0.5, 0.5 एम्पियर की धारा है। तो इधर इसको किस करते हैं, थोड़ा सा दशमलव हटाया, 0 बढ़ा, तो 5 × 20, 400 प्रतिबाधा कितनी आ गई, 400 ओम आ गई प्रतिबाधा। जेड आ गया, आर आ गया, अब मुझे निकालना है एक्स सी। तो हम यहाँ देखेंगे कि आरसी परिपथ में, आरसी परिपथ में इन आरसी सर्किट, यहाँ पे प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होगा, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो जेड का मान हमारा यहाँ कितना है, यहाँ से अगर अगर रूट हटा दे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड का मान 400 का स्क्वायर बराबर आर का मान 200, 200 का वर्ग प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो 4 × 4 कितना होगा, 16 और 2 0 के 4 0, ऐसे ही 2 × 2 = 4, 2 0 के 4 0 प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये होगा यहाँ पे एक्स सी स्क्वायर बराबर 16 में से 4 जाएंगे उधर, जब जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 0, एक्स सी बराबर अंडर रूट 12 और 4 0, इसका जब निकालोगे वर्गमूल तो 346.5 ओम आंसर आएगा। निकाल लेना, यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।